गुजरात के सूरत में रहने वाली मैत्री जी हमारे यूज फ्लावर्स को रियूज करके अमेजिंग सा प्रोडक्ट्स बनाती है। पर वो फूलों को अपसाइकल क्यों करती है? वो इन यूज फ्लावर्स से आखिर बनाती क्या है? और क्या फ्लावर्स को अपसाइकल करने से हमारे नेचर पे कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, इन सारे सवालों को जानने से पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखिए, लिंक कमेंट में दिया हुआ है। मैत्री जी ने देखा कि लोग रिलीजियस ऑफरिंग में बहुत सारे फ्लावर्स को यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो फ्लावर्स वेस्ट में चला जाता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इन फ्लावर्स को कलेक्ट करके कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाए। अब क्योंकि ये फ्लावर्स मेजरली टेंपल से ही आते हैं, तो इन्होंने इन फ्लावर्स को यूज करके डिवोशनल चीजों में यूज होने वाली कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का निर्णय लिया। एंड दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद मैत्री जी ने वेस्ट फ्लावर से अगरबत्ती बनाने को सोची और इन्होंने अपनी इस कंपनी को बिगिन विद फ्लावर्स के नाम से रजिस्टर किया। और अगरबत्ती बनाने के बाद इन फ्लावर्स पे मैत्री जी और रिसर्च करने लगी एंड धीरे धीरे करके वो होली के कलर्स, सॉप बार्स एंड परफ्यूम जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगे। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स बिना किसी केमिकल को यूज करके बनाए जाते हैं, जिससे ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे हेल्थ पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।